हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने ताजमहल के ऊपर आपको कुछ बातें बताने आई हूँ, उससे जुड़ी एक कहानी सुनाती हूँ आपको। तो चलिए सुनते हैं ताजमहल की कहानी। चंद्रकांत और नमिता मामा जी के साथ आगरा जा रहे थे ताजमहल देखने के लिए। ताजमहल बच्चों शाहजहां ने बनवाया है और उनकी बेगम थी मुमताज, उनकी याद में ये ताजमहल बनवाया है। ताजमहल। नमिता और चंद्रकांत आज आगरा जा रहे हैं। वे वहां अपने मामा जी के साथ जा रहे हैं। उनकी रेलगाड़ी ताज एक्सप्रेस लगभग 10 बजे आगरा कैंट स्टेशन पर पहुंचेगी। वे वहां ताजमहल देखने जा रहे हैं। ताजमहल की गिनती दुनिया के साथ आश्चर्यों में की जाती है। आगरा दिल्ली से लगभग 200 किलोमीटर दूर है। रेलगाड़ी में बैठे बैठे नमिता ने मामा जी से पूछा, मामा जी यह ताजमहल किसने बनवाया था? मामा जी ने उसे बताया, ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया था। चंद्रकांत ने पूछा, मामा जी शाहजहां ने इसे क्यों बनवाया? मामा जी ने बताया, शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में इसे बनवाया था। वह मुमताज को बहुत प्यार करते थे। लेकिन इसे बनवाने की क्या आवश्यकता थी? नमिता ने पूछा। मामा जी ने बताया, एक बार मुमताज बहुत बीमार पड़ गई। उसने मरने से पहले अपने पति से कहा, मेरे मरने पर आप एक ऐसा मकबरा बनवाएं जिसके समान संसार में कोई और ना हो। मुमताज की इसी इच्छा को पूरा करने के लिए शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। बातों बातों में समय का पता ही नहीं चला और गाड़ी आगरा कैंट स्टेशन पर जा पहुंची। वे लोग स्टेशन से बाहर निकले और ताजमहल जाने के लिए टैक्सी में बैठ गए। बच्चों को दूर से ही ताजमहल का गुंबद दिखाई ही दिया, वो तो वे खुशी से चिल्ला उठे, देखो वह रहा ताजमहल। बच्चे टैक्सी से उतरकर जब ताजमहल के द्वार पर पहुंचे तो चकित रह गए। वे मामा जी के साथ जल्दी जल्दी अंदर पहुंचना चाहते थे। ताजमहल एक विशाल चबूतरे पर बना हुआ है। चारों कोनों पर चार मीनारें हैं। उसके सामने एक छोटी सी नहर है जिसमें फव्वारे चल रहे हैं। नहर के दोनों ओर हरे भरे उद्यानों में विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं। ताजमहल सफेद संगमरमर से बनाया गया है। इसकी दीवारों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मामा जी बच्चों को ताजमहल के अंदर ले गए। वहाँ कब्रें बनी हुई थी। गाइड ने उन्हें बताया, वे शाहजहां और मुमताज की नकली कब्रें हैं, असली कब्रें इनके नीचे हैं। वहां अंधेरा है, लालटेन या मोमबत्ती की रोशनी में ही उन्हें देखा जा सकता है। गाइड ने उन्हें ये भी बताया कि नीचे की कब्रों पर जाने के लिए सरकार ने अब प्रतिबंध लगा दिया है। गाइड ने ये भी बताया, ताजमहल का संगमरमर मकराने की खानों से मंगवाया गया था। इसे बनवाने में पूरे 20 वर्ष लगे। 20,000 मजदूरों ने दिन रात काम करके इसे बनाया था। यमुना नदी के किनारे पर लगभग 350 वर्ष पूर्व बना यह ताजमहल आज भी ऐसा लगता है मानो कल ही बना। बच्चों ताजमहल के बारे में कुछ रोचक जानकारियां आपको देती हूँ। ताजमहल मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज के लिए बनवाया था और उनकी याद में बनवाया था। विश्व के 7 अजूबों में से ताजमहल तीसरे नंबर का अजूबा है। बच्चों आपको मेरी तरह अजीब लगे कि ताजमहल लकड़ियों पर खड़ा हुआ है। ये ऐसी लकड़ी है जिसे मजबूत रहने के लिए नमी की ज़रूरत होती है जो यमुना नदी से मिलती रहती है। ताजमहल को बनाने में 28 अलग अलग पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। इसमें लगा हुआ संगमरमर पत्थर राजस्थान, चीन, अफगानिस्तान और तिब्बत जैसे देशों से आया है। नई नई कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही रोचक जानकारियाँ प्राप्त करें। तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। बाय बाय।